Of मैं भारत हूँ आजाद भारत आपके सपनों का भारत आज आजादी के पचहत्तर साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज़ादी की वो पहली सुबह मुझे अभी भी याद है बिसमिल्ला खां की सहनाई से निकले राग भैरवी के सुर आज भी कानों में गूँज रहे हैं उसी सहनाई से तो 1947 के अगस्त की 15वीं तारीख शुरू हुई थी आज मुझसे सुनिए आज़ादी की वो पहली सुबह कैसी थी 14 अगस्त की मध्य रात्रि संसद भवन में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ गूंज रही थी वे कह रहे थे इस वक्त जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और एक नई आज़ादी के वातावरण में अपनी आंखें खोल रहा है इधर नेहरू संसद भवन के अंदर बोल रहे थे और उसी समय बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय आज़ादी का जश्न मना रहे थे 200 साल की गुलामी के बाद सभी को आज़ाद भारत के पहले सूर्योदय का इंतजार था इस सबसे दूर आम भारतीयों के बापू कलकत्ता के बेलियाघाट में उपवास धारण किए बैठे थे उनकी चिंता कुछ और थी आज़ादी के दिन उन्होंने जश्न के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया पंडित नेहरू के बुलावे पर भी दिल्ली नहीं आए क्योंकि बंटवारे के बाद बंगाल और पंजाब में अमन छिन गया था लेकिन वो दिन सारी बलाएं दूर करने आया था इसलिए दोपहर होते होते कलकत्ता के भयानक दंगाग्रस्त इलाकों में शांति और भाईचारा होने लगा इससे बापू को शांति मिली और उन्होंने देश से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया बापू को सुनने के लिए बेलियाघाट के रास बगान मैदान में तीस हजार लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई बापू ने कहा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है अब सब बीत चुका है तो उन्हें दोस्ती का अमृत इससे भी मीठा लगेगा शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था पाँच बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटेन को भारत को तिरंगा झंडा फहराना था अनुमान था कि वहाँ तीस हजार लोग आएंगे लेकिन पाँच लाख लोग आ पहुँचे माउंटबेटेन की बग्घी के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि वे अपनी बग्घी से उतरने का सोच भी नहीं सकते थे जब प्रधानमंत्री नेहरू तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब आसमान में एक इंद्रधनुष छा गया खुशी उत्साह और उम्मीद से भरे सात रंगों और सातों सुरों ने जश्न के उत्साह को आसमान पर चढ़ा दिया था चारों तरफ आनंद था उस दिन पंडित नेहरू ने जो कहा था वो मुझे आज भी याद है लोग आते हैं जाते हैं और गुज़रते हैं लेकिन मुल्क और कौमें अमर रहती हैं वो पहला दिन था जब अंग्रेज़ों की वो लाठी टूट चुकी थी जो तिरंगा फहराने वालों की पीठ पर पड़ा करती थी असमानता के वो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे जहाँ लिखा था भारतीयों का प्रवेश वर्जित है गुलामी की काली स्याह रातों की कोख से भारत में समानता के सूरज ने जन्म लिया था इस सूरज ने सत्य और अहिंसा की रोशनी दुनिया भर में पहुँचाई है ऐसा था आज़ाद ख्यालों वाले भारत का वो पहला दिन